हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज है 9 सितंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 9 सितंबर शाम 6 बजे से हम आपके लिए सीबीसीटी का एक न्यू बैच लॉन्च करेंगे, जो कि हमारे बैच का क्या नाम है, 2.0। दोस्तों क्या नाम है? 2.0 मैंने इसको नाम दिया था इस बैच को। और आज आप लोगों के लिए पहली क्लास हम लोग आपके लिए लेकर आए दोस्तों, और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थ्योरी जो कि हम आप लोगों को इस क्लास में कराएंगे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हमारे पास एक लिमिटेड है। हमको बहुत सारे टॉपिक देखना है, हर टॉपिक के बारे में विस्तार से हम समझाएंगे, उनके बारे में जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उनको भी हम लगवाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीपीसीटी हम जिस चीज की तैयारी करेंगे दोस्तों उसका भी फुल फॉर्म हमको मालूम होना चाहिए। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। दोस्तों क्या है? तो कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट टेस्ट है, ठीक है ना। अभी तक आपको मालूम तो होगा, जिनको नहीं मालूम हो वो भी देख लेते हैं। हिंदी में उनको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सीपीसीटी का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाण पत्र परीक्षा। दोस्तों क्या है? कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाण पत्र परीक्षा। ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, सीपीसीटी का आप लोगों को फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम आपको वो भी बता देते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये क्या इनका नाम है, हर एक चीज को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे समझेंगे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी में नाम देखते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? तो देखिए, अभिकलित्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अभिकलित्र कहते हैं। संगणक, सबसे ज्यादा आपको संगणक लिखा मिलेगा, संगणक भी कहते हैं। अभिकलक भी बोलते हैं और परिकलक भी बोलते हैं। याद रखिए, सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संगणक। ये तो आपको कई बार आपको एग्जाम में देखेगा, लेकिन और भी जो कंप्यूटर के हिंदी में नाम है वो कौन कौन से हैं? तो अभिकलित्रक, अभिकलित्रक, और इसके बाद अभिकलक है, परिकलक है और संगणक है। बिल्कुल क्लियर है? छोटी छोटी सी चीजों को आज, क्योंकि आज पहला क्लास है, मैं बहुत बारीकी से इसलिए पढ़ाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि कोई भी मन में डाउट ना रह जाए। अगर आपको डाउट्स होगा तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में एक बार कमेंट कर देंगे, हम आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तत्पर रहेंगे दोस्तों, ठीक ना। बस आपसे निवेदन इतना है कि जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। टाइम प्रतिदिन शाम 6 बजे का है। चलिए, अब यहाँ पर आपने कंप्यूटर में हिंदी का नाम देख लिया। चलिए, कंप्यूटर है क्या, थोड़ी सी इसकी भाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर वस्तुतः एक अभिकलक यंत्र यानी प्रोग्रामेबल मशीन है। अभिकलक, जिंदगी हिंदी में अभिकलक बोलते हैं, और इसका अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल मशीन दोस्तों। तो कंप्यूटर क्या है हमारा? एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रम में स्वचालित करता है। किसमें करता है? जो इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, वो गणितीय भी हो सकते हैं, तार्किक भी हो सकते हैं। तो जो आप निर्देश देते हैं उनको, तो उनको क्या करता है? क्रम से स्वचालित करता है दोस्तों। क्या करता है? स्वचालित रूप में करने में सक्षम है। इसे अंक गणितीय तार्किक क्रियाओं व अन्य विभिन्न प्रकार की गणनाओं को सटीकता से पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से दोस्तों क्या करता है? योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इस निर्देश को ही हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्या कर दिया, थोड़ी सी कंप्यूटर की एक भाषा में आपको समझा दिया जो कि आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी आपको देखा होगा कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपके मन में कंप्यूटर का एक थ्योरी भी होना चाहिए। इतना क्लियर है? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। और आप जैसा कि स्क्रीन पर यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा संगणक के विकास का संक्षिप्त क्या इतिहास दोस्तों। संगणक का मतलब क्या है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे, बिल्कुल क्रम से हर एक चीज को समझाएंगे। चलिए, और मैं याद रखना हर एक पॉइंट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं, बस मैं आपको समझाता भी चलूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कब की होती है? तो बात होती है 1623 ईस्वी की दोस्तों। तो 1623 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ विलहेम सिकार्ट ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया था दोस्तों। कब की बात हो रही है? तो 1623 में सबसे पहले कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? विलहेम सिकार्ट। इनने क्या बनाया था? तो प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया था।
ये जो कैलकुलेटर इन लोगों ने बनाया था, ये जोड़ घटाना गुणा भाग करने में सक्षम था। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए 1623 में किस वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का कह सकते हैं कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो आप बोल सकते हैं या मशीन का निर्माण किया था, तो कौन है, तो विलहेम सिकार्ड है। कहां के थे, जर्मन के थे, 1623 में। क्लियर, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कहता है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर अब आ जाते 1623 में तो हमने देख लिया, अब आ जाएंगे दोस्तों हम लोग 1642 में। दोस्तों कब की बात हो रही है, अब यहां पर अब बात हो रही है 1642 की। क्लियर है यहां तक, चलिए तो देखिए 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी गणतज्ञ विलेज पास्कल, अब यहां से देखिए अब बात कब की हो रही है, अब बात हो रही है 1642 की। तो 1642 में जो फ्रांसीसी, ये जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था विलेज पास्कल, ने जोड़ने व घटाने वाली एक मशीन का आविष्कार किया दोस्तों, जिसको हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते थे दोस्तों। कौन सी मशीन के नाम से जानते थे, एडिंग मशीन के नाम से भी वो जानी जाती थी। क्लियर है, तो 1642 में फ्रांसीसी गणतज्ञ ने, यानी विलेज पास्कल उनका नाम था, उन्होंने जोड़ने घटाने वाली एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम था एडिंग मशीन। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एडिंग मशीन का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिए जो फ्रांस के जो जो गणतज्ञ थे दोस्तों विलेज पास्कल, उनने जोड़ने घटाने वाली एडिंग मशीन का निर्माण किया था। अब थोड़ा सा अगर हम और ऊपर की ओर चले तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि अब आ जाते हैं 1801 में, पूरा एक क्रम है। मैंने बोला था आपको मैं क्या करूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, इतिहास के लेवल से। अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूं तो इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। हम इनमें पढ़ेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूं, हम ऐसे पढ़ेंगे, मान के चलो हमने आज अपना कंप्यूटर का इतिहास का एक चैप्टर खत्म कर लिया, यानी वो चार दिन में भी करा सकते हैं, पांच दिन में भी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ही हमने एक हफ्ते के अंदर मान के चलिए खत्म किया, तो या तो संडे को हम टेस्ट लेंगे या तो हम आपको इन्हीं पर उनके एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना, पहली क्लास है और मैं इन क्लासों में भी आपको ज्यादा से ज्यादा इनका जो कंप्यूटर का संक्षिप्त में इतिहास उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो 1801 में फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे, जो दोस्तों कौन थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन है जे, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है हमारे जोसेफ मैरी ओजेकार्ड। दोस्तों क्या नाम है इनका, जोसेफ मैरी, स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ मेरी जेकार्ड ने लूम, दोस्तों क्या है लूम, यानी करघे, एक मशीन होती थी दोस्तों लूम मशीन, शायद लगभग लगभग उस टाइम पे यूज की जाती थी 1801 के समय पर। तो लूम के लिए नई एक नियंत्रण प्रणाली वाली का प्रदर्शन किया दोस्तों, उन्होंने लूम की प्रोग्रामिंग को जैसे पेपर पर कार्डो में छेद के पैटर्न के द्वारा मशीन को मन मुताबिक वीडिंग ऑपरेशन, यानी वीडिंग ऑपरेशन का आदेश दिया जाना संभव हो गया दोस्तों। ये किसके द्वारा संभव हुआ था 1801 में, थोड़ा सा मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको समझा दूं, लूम एक मशीन होती थी दोस्तों, उसमें क्या होता था, पेपर रहते थे तो पेपर के कार्ड में छेद किए जाते थे, उसके छेद में पैटर्न बनाए जाते थे। तो इन लोगों ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसमें मशीन को ऐसा प्रोग्राम में इंस्टॉल किया था, किसने किया था ये 1801 में, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जोसेफ मेरी और जेकार्ड ने। क्लियर है यहां तक, चलिए अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर आ जाए तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब 1833 से लेकर 71 की बात हो रही है दोस्तों, कब की बात हो रही है, 1833 से लेकर 1871 ईस्वी की बात हो रही है। इसमें क्या दोस्तों, इसमें ब्रिटिश जो गणतज्ञ थे दोस्तों वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज, अब किसकी बात हो रही है यहां पर, अब 1833 से 1871 में जो हमारे ब्रिटिश के, कौन से ब्रिटिश के वैज्ञानिक दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने जेकार्ड पंचकार्ड प्रणाली का उपयोग करके, किसका, जे कार्ड और पंच कार्ड को आप विशेष याद रखना, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, क्लियर दिखना चाहिए बस। चलिए चलिए ओके चलिए, तो देखिए मैं क्या बता रहा था, 1833-1871 में ब्रिटिश जो गणतज्ञ थे दोस्तों वैज्ञानिक, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज ने जे कार्ड पंचकार्ड प्रणाली का प्रयोग करते हुए एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया दोस्तों। किसका निर्माण किया, विलेज चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों, यहां पर अच्छे से देख लीजिए, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। क्लियर है यहां तक, किसने किया जी, 1833-71 के बीच में चार्ल्स बेबेज ने किया दोस्तों। क्लियर है यहां तक, चलिए अब बात आ जाती है 1800
नवासी की। दोस्तों कब की बात आ रही है यहाँ पर, 1889 की बात करें। 1889 में क्या किया, देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, कंप्यूटर का जो इतिहास है मैं बहुत शॉर्ट में इनको मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कैप्चर कर जाए। मैं बाद में बताऊंगा इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, ठीक है। धैर्य रखिए, थोड़ा सा हर एक चीज को क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। चलिए, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उनके लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना, बिल्कुल भेजे जा कर। चलिए, अच्छा जो स्टूडेंट अभी चैनल पर है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब बात आ जाती है 1889 की दोस्तों, तो 1889 में दोस्तों अमेरिकी इंजीनियर हरमन हॉलिगेट ने इलेक्ट्रो मैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग सिस्टम को पेटेंट कराया, जिसे संख्यात्मक जो आंकड़े होते थे भारी मात्रा पर कार्य करना संभव हो सका। इस मशीन का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। कई बार क्वेश्चन आया है अमेरिकी जनगणना में इस्तेमाल होने वाली मशीन का नाम क्या है, किसने इसका आविष्कार किया, क्वेश्चन क्या आता था बताइए कि अमेरिकी जनगणना में इस्तेमाल होने वाली मशीन का नाम क्या है, तो किसने बनाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया, किस देश के वैज्ञानिक ने बनाया, किसने बनाया। मैं अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखकर बता दूं तो 1889 में अमेरिकी वैज्ञानिक या कह सकते हैं अमेरिकी इंजीनियर दोस्तों कौन थे, हरमन हॉलिगेट दोस्तों, कौन थे, हरमन हॉलिगेट। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने बड़ी संख्या में जो सांख्यिकीय आंकड़े थे, जो बड़े बड़े आंकड़े रहते थे दोस्तों, जो हजारों लाखों करोड़ के रूप में आंकड़े रहते थे, तो उनने उनको एक मशीन में प्रयोग करके भारी मात्रा में मशीन में क्या किया दोस्तों, पेंटेड, पेंटेड का मतलब उसमें उन्हें इंस्टॉल करने का काम किया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है यहां तक। अब बढ़ जाते हैं थोड़े से आगे की ओर। देखिए, कोई कोई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई कोई चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं धीरे धीरे सब क्लियर कराऊंगा जब रिवीजन भी इनका कराऊंगा और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा के बताऊंगा। अब बात आ जाती है 1941 की दोस्तों, कब की बात आ जाती है, 1941 में क्या हुआ ये भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, चलिए ग्रीन सही लगता है। चलिए, तो 1941 में क्या हुआ दोस्तों, जर्मन के जो इंजीनियर वैज्ञानिक थे दोस्तों, कौन थे, जर्मन इंजीनियर कोनाडिस ने प्रथम पूर्णता क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 का आविष्कार किया दोस्तों। क्या नाम था इसका, Z3 का आविष्कार किया, जिसे प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। अब Z3 जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था दोस्तों, क्या था, जो Z3 था वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, ये क्या था दोस्तों, ये द्वितीय स्विचों पर आधारित था जिन्हें रिले कहा जाता दोस्तों, क्या कहा जाता था, रिले कहा जाता था। क्लियर है, वैज्ञानिक का नाम क्या था, कोनाडिस दोस्तों, ठीक है ना। उन्होंने 1941 में इसका आविष्कार किया Z3 का। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन बनेगा कि जो Z3 जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका निर्माण कब हुआ, तो 1941 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1941 में। किसने किया, तो वो भी मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, ठीक है ना, तो कोनाडिस ने किया दोस्तों। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूंगा, और बनेंगे कैसे ये भी हर चीज मैं आपको बताऊंगा, धैर्य रखिए बस। चलिए, अब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। अब बात आ जाती है 1942 की दोस्तों, कब की बात आ जाती है, 1942 की बात आ जाती है। अब 1942 में क्या हुआ, 1942 ईस्वी में आयुवा, कौन दोस्तों, आयुवा स्टेट कॉलेज के भौतिकी जॉन विसेंट और एटनासोप ने, एटनासोप और उनके सहयोगी क्लिफोर्ड बेरी ने प्रथम पूर्णता इलेक्ट्रॉनिक, अब किसकी बात हो रही है, प्रथम, याद रखिए जब भी प्रथम की बात हो जाती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रथम पूर्णता इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कार्यात्मक मॉडल का निर्माण किया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब, अब यहां से देखिए ये तो आपने जानते होंगे, इसका नाम भी सुना होगा, इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कैसा लगता है, ठीक है ना, फोटो दिखाऊंगा। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जिससे रिले की अपेक्षा तेजी से काम किया जा सकता था, किसकी अपेक्षा, रिले जो इसके पहले वाला था। किसने किया 1942 में, किसने किया, आयुवा स्टेट कॉलेज, कॉलेज का क्या नाम था, आयुवा स्टेट कॉलेज, उस पर कॉलेज पर मत याद आप लोग ध्यान दीजिए, हमको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है जॉन विसेंट एटनासोप दोस्तों, इनका क्या नाम था वैज्ञानिक का पूरा, जॉन विसेंट और एटनासोप। मैंने यहां पर देखिए रेड कलर से इनको डार्क इसलिए कर दिया है, जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, जॉन विसेंट एटनासोप और उनके सहयोगी का क्या नाम था, क्लिफोर्ड बेरी दोस्तों, ठीक है ना,
इन दोनों ने कंप्यूटर को क्या, इलेक्ट्रॉनिक पूर्णता कंप्यूटर, जो पूरा क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूर्णता कंप्यूटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला कंप्यूटर का निर्माण किया दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इसको इसमें दोस्तों ये रिले जो कंप्यूटर था उसकी अपेक्षा तेज चलता था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम कहां पर, थोड़ा सा देख लेते हैं, वन सेकंड। चलिए हाँ, अब 1944 पे आ जाते हैं। 1944 में क्या हुआ, 1944 में आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आईके ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क वन का निर्माण किया। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है, मार्क वन का निर्माण किसने किया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन थे, हार्वर्ड आईकेन ने मार्क वन का निर्माण किया दोस्तों, 1944 में किया दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये रिले पर आधारित मशीन 55 फीट लंबी, कितने फीट लंबी, 55 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी थी दोस्तों। क्लियर है, इन चीजों को नोट करते चलना। मैंने हालांकि मैं इनको आपको पीडीएफ को प्रोवाइड भी करा दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही हमारा एक सिलेबस कंप्लीट होगा मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, या थोड़े थोड़े टॉपिकों की पीडीएफ देता चलूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बस क्लास में नए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, आपके निवेदन और सहयोग और सपोर्ट से ही हमने इस बैच को लॉन्च किया, सीबीसीडी 2.0 को। तो आज हमारी पहली क्लास है और हम अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। सहयोग केवल इतना है, प्लीज चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना, ठीक ना। चलिए हमने इस पॉइंट में क्या सीखा, हमने सीखा कि मार्क वन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, ठीक ना। तो मार्क वन कंप्यूटर का निर्माण किया था, प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर का मार्क वन का निर्माण जो किसने किया था, तो वह किया था दोस्तों प्रोफेसर हार्वर्ड आईकेन ने किया था। ये 55 फीट क्या था, लंबा था और 8 फीट ऊंचा था, 1944 की बात है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे देखेंगे, 1943 में ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कोडो को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का कोलोसस का निर्माण किया। ये थोड़े थोड़े देखिए, मैंने हर पॉइंट को कलेक्ट किया है, क्या कई बार आपने कुछ कुछ पॉइंट ऐसे पहली बार आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्लास में, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पर इसलिए ले लिया है, हो सके कि ये अगर आपके सीबीसीडी में पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो और भी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं होती हैं, इनमें कंप्यूटर में आपके एग्जाम में आता है तो इनमें बहुत गहराई से कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने हर पॉइंट को इसमें कवर कर लिया है। ये तो केवल मैं आपको कंप्यूटर का इतिहास बता रहा हूँ, अभी कंप्यूटर बहुत बड़ा है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर है, मैं हर एक चीज को आपको ऐसे ही डिटेल्स में बताऊंगा, उनकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा कि ये लगते कैसे थे, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया, 1943 में जो ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कोडो को तोड़ने के लिए, किस कोडो को, जर्मन कोडो को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस का निर्माण किया था। यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए तो आज के लिए क्या करते हैं दोस्तों, क्लास में इतना ही रहने देते हैं और जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट सही होगा मैं क्लास की टाइमिंग भी बढ़ाता चलूंगा और कंटेंट तो आपको अच्छे देने की कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, और दूसरी चीज, क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी जाकर थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पे भी हम आपको अपडेट डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास प्लीज जरूर बताना आप लोग। तो कल हम अपने इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।